हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू इनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, यानी कि इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें। दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले फ़ोन डायलर में जाइए। फ़ोन डायलर ओपन करने के बाद जब आप किसी भी नंबर पर कॉल लगाएंगे, कॉल कनेक्ट होते ही साइड में कॉल रिकॉर्ड का फीचर्स देखने को मिल जाएगा, तो इस पर टैप करके आप मैनुअली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों गूगल कॉल डायलर में जब हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं तब रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले दोनों साइड पे वार्निंग नोटिफिकेशन सुनाई देते हैं कि ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ फ़ोन डायलर के अंदर 3 डॉटेड लाइन पर टैप करके सेटिंग्स में जाइए। कॉल सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का एक फीचर्स देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। अगर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपके फ़ोन में शो नहीं कर रहा है तो फोन डायलर का सारे डेटा एक बार क्लियर कर दीजिए। यहाँ होम पेज पर गूगल डायलर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाना है। इसके बाद स्टोरेज यूसेज पे टैप करके फोन डायलर का सारे डेटा एक बार क्लियर कर दीजिए। फोन डायलर का डेटा क्लियर करते ही कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन वापस चले आएगा। कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स के अंदर कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम आपको ऑलवेज रिकॉर्ड के बारे में बता देते हैं। नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, इस ऑप्शन को इनेबल करने से आपके फ़ोन में जब अननोन नंबर से कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा। सिलेक्टेड नंबर, सबसे पहले ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्ट नंबर को टर्न ऑन करिए। इसके बाद चूज ए कॉन्टैक्ट में जाके जिस कॉन्टैक्ट नंबर का कॉल आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए। चाहे तो आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। गूगल डायलर में बिना कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट किए आप ऑटो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अगर आपको ज़रूरत हो तो एक एक करके सभी कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। डिलीट रिकॉर्डिंग, बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन में नेबर सिलेक्ट रहेगा, मतलब हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड किया गया कॉल कभी नहीं डिलीट होगा। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डिलीट करना चाहते हैं तो इनमें से 7 डेज, 14 डेज और 30 डेज को चूज़ कर सकते हैं। डिलीट ऑल रिकॉर्डिंग नाउ, इस पर क्लिक करते ही सभी कॉल रिकॉर्डिंग तुरंत डिलीट हो जाएगा। दोस्तों इन सारे कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए यहाँ पर रिसेंट कॉल लिस्ट में जाके उस नंबर पर टैप करना है, फिर आपके सामने लास्ट रिकॉर्ड किया गया कॉल डिटेल्स चले आएगा। इसके अलावा आप हिस्ट्री में जाके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। साथ ही साथ शेयर बटन पर क्लिक करके आप इस कॉल रिकॉर्ड फाइल को दूसरे फ़ोन में भी भेज सकते हैं। दोस्तों यदि आप कॉल रिकॉर्ड अनाउंसमेंट बंद करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाए रखी है, ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। जब तक गूगल इस बग को फिक्स नहीं करते ये ट्रिक्स आपके लिए 100% काम करेगा। दोस्तों उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।